भदोही की आवाज, जनता का विश्वास, आकाश भूमि न्यूज, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आकाश भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं दीपक मिश्रा हाजिर हूं आज की स्पेशल खबर के साथ। नम आंखों से भदोही और प्रयागराज के डीएम और एसपी समेत परिजनों ने कानपुर मुठभेड़ में शहीद जवान को जनपद भदोही के सीतामढ़ी घाट पर दी अंतिम विदाई। अंतिम विदाई में उमड़ा जन सैलाब। कानपुर में सिवली थाना क्षेत्र में हिस्ट्री सीटर विकास दुबे और उसके गुर्गों से हुई मुठभेड़ में शहीद सब इंस्पेक्टर नेबूलाल बिंद का अंतिम संस्कार भदोही जनपद के सीतामढ़ी घाट पर किया गया। इस मौके पर शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। शहीद सब इंस्पेक्टर नेबूलाल बिंद पड़ोसी जनपद प्रयागराज के हड़िया कोतवाली के निवासी थे। प्रशासनिक तैयारियों के बीच सब शनिवार के दिन 11:45 पर सीतामढ़ी घाट पर पहुंचा, जहां लोगों ने पुलिस के जवान को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद शमशान घाट पर पिता कालिका प्रसाद बिंद ने जवान के शव को मुखाग्नि दी। शहीद जवान की दो पुत्रियां सुनीता 30 वर्ष और मधुबाला 23 वर्ष व दो बेटे अरविंद 26 वर्ष और हिमांशु 16 वर्ष हैं। शहीद नेबूलाल चार भाइयों में सबसे बड़े थे। दूसरे नंबर का भाई जयप्रकाश प्रयागराज के हड़िया थाने में होमगार्ड है। तीसरे नंबर का भाई ओम प्रकाश वाराणसी में सिपाही और सबसे छोटा भाई विजय प्रकाश खेती बाड़ी का काम करता है। मौके पर भदोही और प्रयागराज के जिलाधिकारी, दोनों जिलों के पुलिस कप्तान सहित भदोही के सांसद रमेश बिंद उपस्थित रहे। वहीं बेटे की चिता सजते देख पिता कालिका बिंद की आंखें छलक आई। एक तरफ जहां पुत्र के शहीद होने का गम था, तो दूसरी तरफ अपराधियों के प्रति आक्रोश। उन्होंने बताया कि अभी कुछ दिन पहले सबसे छोटी बिटिया मधुबाला 23 वर्ष की शादी के लिए बात बेटे नेबूलाल से हुई थी। पिता ने बताया कि शहीद नेबूलाल 14 मई को अंतिम बार घर आए थे। प्रतिदिन सुबह शाम उनकी परिवार से बात होती थी। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री से कानपुर में मिले थे, अपराधियों को कठोर से कठोर सजा देने की मांग की है। नेबूलाल 1990 में पुलिस महकमे में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे। 2009 में रैंकर्स परीक्षा पास की थी। नेबूलाल को 2 साल की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 2013 में कानपुर में तैनाती मिली थी। विभाग में तेज तर्रार दरोगा में उनका नाम लिया जाता था। कुख्यात बदमाश विकास दुबे के घर पर रात दबिश देने के लिए चुनिंदा पुलिस कर्मियों को टीम में शामिल किया गया था। सीतामढ़ी का गंगा घाट जब तक सूरज चांद रहेगा नेबू तेरा नाम रहेगा के नारे से गूंज उठा। जनपद भदोही के सीतामढ़ी से विजय तिवारी की रिपोर्ट। ये बहुत ही दुखद घटना है, जिस तरह से हमने अपना एक पार्टनर खोया है और अब उसकी पूर्ति तो नहीं हो सकती है। अब हम परिवार से भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनको ये शक्ति दे, वो इस दुखद घटना से उबर पाएं।